अगले महीने एसएससी का फॉर्म निकलने वाला है, भर देना, हम बता देंगे। तुम भरे थे पिछला बार? नहीं। क्यों? हम बता देंगे, इस पर भर देना। हाँ प्रणाम। इस बार तो पक्का भर दो। ओके। नहीं नहीं अभी रूम पे नहीं है, अभी कोचिंग आए हुए हैं। नहीं लेकिन वो बैंक वाला एग्जाम का तो एक महीने बाद ही चलता आएगा। नहीं नहीं इस बार हो जाएगा। हाँ हाँ इस बार हो जाए। हाँ पैसे हैं ना? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जी जी प्रणाम। क्या बोलूँ माँ को कि कुछ ठीक नहीं है। एक गरीब माँ बाप दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे पैसा कमा के अपने बच्चों को कोचिंग कराता है ताकि उसके बच्चे बैंकिंग, रेलवे या किसी अच्छी जगह नौकरी पा सके, और वो बेरोजगार आदमी उसी तंगी हालत में फॉर्म भरता है, पैसे बचाता है, दिन रात मेहनत करता है, किसी दूसरे शहर जाता है बस या ट्रेन में धक्के खा के, लटक के एग्जाम देने के लिए। कभी आप जाइए फिर पता चलेगा। प्लेटफॉर्म पे सोता है, खाना नहीं खाता है क्योंकि पैसे ही नहीं है और उसी में बचाने भी हैं। और फिर एग्जाम के 3-4 दिन बाद ये पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, या फिर पेपर जिसने खरीदा उसको नौकरी मिल गई। मतलब भुक्तभोगी हम और जिम्मेदार सरकार। मतलब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, वादे करते हैं, और दूसरी तरफ आप पेपर लीक करा के हमारे गरीबी, मेहनत और बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हैं। फिर रेडियो पे कहेंगे युवा हमारे देश के भविष्य हैं। झूठे वादे, नकली इरादे।